तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा का पीछे मंच देख रहे हैं। इसी मंच के सहारे तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में हुंकार भरने निकलने वाले हैं। इस मंच पर आज की जनसभा के बाद तेजस्वी यादव बिहार में कूच करेंगे और बिहार में बेरोजगारी इन चुनावों का मुख्य मुद्दा बने इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तैयारियां जो अंतिम चरण पे हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ में हैं। मृत्युंजय जी, तेजस्वी यादव आज निकल रहे हैं बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर के, चुनाव का ये साल है, क्या इस बार आरजेडी के लिए सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा बिहार में बेरोजगारी होने वाला है? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने ठाना है बेरोजगारी हटाना है। ये मुद्दा सभी मुद्दों से साथ है और बेरोजगारी का जो विकराल रूप बिहार के नौजवानों के सामने खड़ा है उसको हटाने के लिए तेजस्वी यादव नौजवानों के हक और हकूक के लिए उनके साथ खड़े हैं और बेरोजगारी हटाने का संकल्प उन्होंने लिया है। इसलिए वो आज से शंखनाद कर रहे हैं इस पटना के ऐतिहासिक वेटनरी कॉलेज मैदान से। आज शंखनाद, आज सभा है और इसके बाद फिर 27 तारीख से गया बाकी जिलों में जैसे जैसे बजट सत्र के समय अवकाश मिलेगा और जिस दिन इनका महत्वपूर्ण विषय नहीं रहेगा उसके बाद हर जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में ये घूमेंगे। सर, लेकिन क्योंकि आज की यात्रा है और यात्रा के पहले ही पटना में एक और पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर के सहारे जदयू ने हमला बोला है फिर से तेजस्वी के बस को लेकर के, क्या उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, घबरा गए हैं? देखिए, पोस्टर तो बहाना है, असली मुद्दा से जनता का ध्यान भटकाना है, यही उद्देश्य वो पोस्टरबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का पोस्टर बिहार की नौजवानों के दिलों में लग चुका है और तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को छेड़ा है उस मुद्दे से पूरी सरकार बौखलाहट में, घबराहट में है और उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये हम लोग अच्छी तरह से और बिहार का नौजवान अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसलिए अब कोई बहाना नहीं, बेरोजगारी हटाना और बिहार के नौजवानों ने ठाना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, कल जेपी नड्डा थे पटना में, मन से कहा गया कि महागठबंधन 12 सीटों पे आ जाएगी, नीतीश कुमार ने कल बैठक ली, कह रहे हैं कि 200+ पर एनडीए जीत करके आएगा, तो तेजस्वी यादव तो फिर कहीं है नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि तेजस्वी तो कहीं नहीं होंगे। अरे मुंह से बोलना है, जुबानों से बोलना है तो 240 पार कर लेते तो वो भी अच्छा रहता इनके लिए। झारखंड में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, झारखंड दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है और इस सरकार को जाना तय है, इस सरकार का, ये बिहार की जनता देख रही है। इस सरकार ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है, अब 200 पार, 400 पार, 500 पार करते रहे तेजस्वी यादव जी के एक ही ओवर में हैट्रिक लगेगा। तो बिल्कुल एक ही ओवर में हैट्रिक लगेगी तेजस्वी यादव के। आज तेजस्वी यादव की अगुवाई में आज जो हुंकार भरी जा रही है पटना वेटरनरी ग्राउंड से उसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो लवरेज हैं, जदयू के सवालों का जवाब दे रहे हैं, साफ कर दिया है कि इस बार जनता ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। सहयोगी प्रभात परिमल के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।